हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए, आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ मैं प्लांट्स की केयर कैसे करता हूँ। तो मैं अपने प्लांट्स की केयर से रिलेटेड इनकी लाइटिंग, इनके मॉइस्चर, इनकी फर्टिलिटी, इनका टेम्परेचर, इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट को मैं कैसे मेजर करता हूँ, और टाइम टू टाइम मैं उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ये मैंने पॉट्स में कुछ पौधे लगा रखे हैं जो कि सेकुलेंट्स ब्रीड्स के हैं। आई होप सेकुलेंट्स ब्रीड आप जानते होंगे। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पौधे होते हैं जो हम इनसाइड होम इसे लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये इनसाइड सर्वाइव कर जाता है। तो इस प्लांट में हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं या इसमें अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज करते हैं तो ये पौधे जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसकी केयरिंग करने के लिए आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं एक डिवाइस को यूज़ करता हूं जो कि है ये, जिस डिवाइस का नाम है Xiaomi का ये डिवाइस है जिसका नाम है फ्लावर केयर, और मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया हुआ था। बस इस डिवाइस को जो है अपने फ़ोन पे कनेक्ट करना पड़ता है ब्लूटूथ के थ्रू, और इस डिवाइस को जो है पॉट में हमें इस तरीके से अंदर की तरफ मिट्टी में इसे हमें गाड़ देना होता है, जिससे ये मिट्टी से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड और फर्टिलिटी, मॉइस्चर, इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ़ोन पे ये नोटिफाई करता रहता है। आप इसे नोटिफिकेशंस पे अलर्ट मोड पे भी रख सकते हैं ताकि जब भी इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो आपको आपके फ़ोन पे ये अपडेट कर दे कि लाइक आपके पौधे को लाइट नहीं मिल रही है तो वो भी आपको अपडेट कर देगा कि लो लाइट समथिंग। अगर फर्टिलाइजर है इसके अंदर तो वो भी वो नोटिफाई करेगा कि इसमें फर्टिलाइजर है जो कि 4-5 महीने तक चलेगा या इस लेवल तक है, वो हमें कब इसमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है या हमें कब इसमें मॉइस्चर यानी पानी की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों को ये गाइड करता रहता है। तो आइए मैं अब आपको इसके सेटअप्स और इसके ऐप के बारे में बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस के अंदर एक टैबलेट सेल डलती है जो कि नंबर है CR2032। ये जो है इस डिवाइस के अंदर एक सेल को हम लगाते हैं और फिर हम इसे इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। ये लाइट है जो कि फर्स्ट टाइम जब ये ऑन होता है तो ये लाइट जलती है, जब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर बैटरी जो सेल है वो डाल दिया है और इस डिवाइस को मैंने बंद कर दिया है, इसके कवर को। ये डिवाइस की लाइट जो है हल्की सी जली थी, बट वो इस फ़ोन की फ्लैश लाइट की वजह से वो हमें दिखाई नहीं दी। इस ऐप को यूज़ करने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है फ्लावर केयर, और ये मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर रखा हुआ हूँ। तो मैं आपको इसे फिर से रिकन्फिगर करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैंने इस डिवाइस को डिलीट कर दिया है, जो आपने देखा ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस प्लस के बटन को क्लिक करते हैं इस ऐप के अंदर में, और यहाँ पे दो डिवाइसेज हैं, एक तो ये पॉट का है और ये है जो दूसरा डिवाइस का, यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। तो इस आइकन पे क्लिक करते हैं और ये 10 सेकेंड तक जो है इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसने कैसे ये काम करता है। रिट्राई मोड पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसने जो है डिवाइस बाइंडिंग जो है सक्सेसफुल हो चुका है, और अब यहाँ पे ऐड प्लांट्स के ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं। ये जो डिवाइस है वो अब इस फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी हमारे प्लांट्स टाइप हैं, आप अगर उनका नाम जानते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर वो रोज़ हैं, लिली हैं, बहुत तरह के यहाँ पे प्लांट्स हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इस ऐप के थ्रू वैसा प्रोग्राम और उनके रिलेटेड जो है वो डेटा को डाला गया है जो कि उसे इस डिवाइस के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो डाला हुआ है यहाँ पे वो डाला हुआ है सेकुलेंट्स प्लांट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत तरह के पौधे डले हुए हैं, उनके नेम्स डले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्फिगर कर सकते हैं। अगर हमें पौधे का नाम नहीं पता है तो हम उसे पत्तों के थ्रू भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 5539 जो हैं
टाइप के प्लांट्स के डेटा जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने जो अभी पौधे दिखाए थे वो थे सेकुलेंट्स प्लांट्स, और इसमें सेकुलेंट्स प्लांट्स की बहुत सारी वराइटीज़ है जो कि दिखा रही है इनके ऑप्शंस में। तो एक तो मेरा ये पौधा था जिसका नाम था क्रैसुला कैप्टेलिया। अब अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो अब इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। आपने देखा ये प्लांट्स का ऑप्शन आ गया है, और अभी ये सारी चीज़ें डेटा जो है वो रॉन्ग है। रीज़न क्या है कि अभी ये डिवाइस जो है ये यहाँ पे है, इसे हम अपने प्लांट्स में डालते हैं और फिर इसके डिटेल्स को हम चेक करते हैं। तो आइए अब पेस्ट कर मैं इस डिवाइस को इस प्लांट में डालने जा रहा हूँ किसी लोकेशंस पे जहाँ पे कि हम सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। मैंने इसे इसके मिट्टी में इसे डाल दिया है और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आने लगी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो 8 है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो माइनस में रेटिंग है और जो कि फ्लैक्चुएट हो रही है, और लाइट इंटेंसिटी जो है वो 170 है जो कि 4000 से 75000 के आसपास होना चाहिए। बट बिकॉज ये अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये रात का समय है और ये इंडोर लाइट पे अभी इसकी जो मेजरमेंट हो रही है, तो और इसका टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री के आसपास का है जो कि 5 से 35 डिग्री तक ये टेम्परेचर में ये प्लांट जो है वो सस्टेन कर पाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे इस पे आ जाती है। हमें सिर्फ इस डिवाइस को ये ओपन करना होता है और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ यहाँ चेक करना पड़ता है। इससे इसमें हमें ये ऑटो पुश के थ्रू भी नोटिफिकेशंस के थ्रू ये हमें नोटिफाई करता रहता है कि वाटर लेवल कम है, लाइटिंग कम है। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही बढ़िया है और प्लांट मेजरमेंट के लिए, प्लांट्स की केयर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं, और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँगा। थैंक यू सो मच।